हेलो फ्रेंड्स, जीनियस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के दौर में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट का होना भी एक अहम बात है। यदि आप किसी भी जॉब के लिए कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लेते हैं, और एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय आपसे ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मंगा जाता है। तो आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको उस जॉब से बाहर कर दिया जाता है और आप निराश हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, तो आप ट्रिपल सी के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी संस्था से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी रही बात ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की तैयारी करवाने की, तो मैं लेकर आया हूँ ट्रिपल सी की पूरी सीरीज, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं पहला चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से संबंधित, यानी कि कंप्यूटर की जानकारी, जिसमें 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आज के पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल सी टॉप 50 क्वेश्चन क्लास वन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ट्रिपल सी में लगातार आने वाले 50 क्वेश्चन जो हर बार आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए ऑप्शन आपका सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो आपका रैम का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का पूर्ण रूप आपका बी ऑप्शन, रीड ओनली मेमोरी होता है। ये आपका ऑप्शन सही है, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम का फुल फॉर्म है, और रीड ओनली मेमोरी आपका रोम का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका मॉनिटर जो है वो क्या है? आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारे इनपुट डिवाइस हैं। टच पैड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सीपीयू निम्न में से कौन से घटकों से बना होता है? यानी कि जो कंप्यूटर में सीपीयू लगा होता है, जो प्रोसेसर लगा होता है, वो किस डिवाइस के माध्यम से बना होता है? वो कंट्रोल यूनिट और एएलयू के माध्यम से बना होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन, 1 KB किसके बराबर होता है? तो 1 KB जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1024 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डेटा क्या है? डायरेक्ट इनपुट का एक उदाहरण है, यानी कि डेटा जो भी होता है, जो हम कीबोर्ड और माउस के माध्यम से इनपुट करवाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वो क्या है? एक डायरेक्ट इनपुट हो जाता है, यानी कि डेटा जो भी होता है वो डायरेक्ट इनपुट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में रोम सूचना मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा संग्रहित की जाती है, यानी कि जो भी स्टोरेज की जाती है, जो भी सूचनाएं या की जाती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, यानी कि मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो उसी समय कंप्यूटर में रोम में सूचनाएं क्या कर देते हैं? संग्रहित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवेक, पहला ऑप्शन ए जो है आपका यूनिवेक कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था जो व्यवसायिक के क्षेत्र में सबसे पहले इसे उपयोग में लाया गया था। अगला, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है, यानी कि एक व्यक्ति को हम कंप्यूटर साक्षर तब कह सकते हैं जब वह क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन हमारा सही है, आवश्यकता के अनुसार एप्लीकेशन को चला सके, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो यूजर होते हैं वो अपना कंप्यूटर चला सकें, अपने एप्लीकेशन को चला सकें, वही व्यक्ति क्या है? साक्षर कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि एंटीवायरस बना सकें या प्रोग्राम बना सकें या कंप्यूटर को हैक कर सकें वही साक्षर कहलाते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी कंप्यूटर चला सकें, जो भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकें, चला सकें, वही कंप्यूटर के क्या है? वही कंप्यूटर के साक्षर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर निम्न में से कौन सा उपकरण है? तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम प्रिंट आउट को निकालते हैं। बाकी बार कोड रीडर होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है। टच पैड ये क्या है? इनपुट डिवाइस होता है, और इनपुट डिवाइस ही तो होती ही है। तो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में निर्देशों का वास्तविक निष्पादन क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो निर्देश दिए जाते हैं उनका वास्तविक निष्पादन किसके माध्यम से होता है? एएलयू के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से मेमोरी डिजिटल कैमरा के लिए यूज की जाती है? तो आपके बी ऑप्शन जो है फ्लैश मेमोरी जो है वो क्या है आपके डिजिटल कैमरा के रूप में यूज की जाती है, यानी कि डिजिटल कैमरा में जो मेमोरी का यूज किया जाता है उसे कौन सी मेमोरी कहते हैं, उसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी लगभग कैश मेमोरी के समान होती है? तो हमारी एस रैम होती है वो क्या है, वो हमारी कैश मेमोरी के समान होती है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े, सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है, यानी कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर होता है? तो वो हमारे कंप्यूटर कौन से होते हैं, वो हमारे सी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो सबसे महंगे और सबसे तेज और सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। बाकी जो पर्सनल कंप्यूटर होता है हम अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं, लैपटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, नोटबुक भी अपना पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं, ये स्पेशल कार्य के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर ये भी आपका क्या है आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसमें आवाज़ बाहर निकलती है, और प्रिंटर के द्वारा हम क्या करते हैं प्रिंट आउट को बाहर निकालते हैं, तो ये दोनों क्या है आउटपुट डिवाइस हो गई। कीबोर्ड जो है आपका सी ऑप्शन ये क्या है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड में जब हम कोई भी डेटा एंट्री करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है इनपुट करता है। बाकी आपका डी ऑप्शन जो है मॉनिटर वो भी क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन सी इसमें जो है वो आपका सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, संपादित किए जा रहे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि जब हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में अपना कोई कार्य कर रहे होते हैं उस समय हमें किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करना होता है, तो कट या कॉपी करने के बाद उस टेक्स्ट को हम किस की के द्वारा यानी कि किस कुंजी के द्वारा हम उसको पेस्ट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, Ctrl+V के द्वारा क्या करते हैं हम अपने टेक्स्ट को संपादित कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कॉपी किए गए या कट किए गए डेटा को आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। बाकी बी ऑप्शन जो है Ctrl+X इसका यूज करते हैं कट करने के लिए, और Ctrl+P से हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, और Ctrl+C से क्या करते हैं अपने डेटा को या टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संरचना का अनुसरण USB द्वारा किया जाता है, यानी कि जो ऐसी एक संरचना होती है जो USB डिवाइस में क्या है बनी रहती है, यानी कि जो USB होती है हमारी उसमें एक आपने देखा होगा स्टिक ट्री टाइप का बना रहता है, तीन लेयर बनी रहती हैं उसमें, उसको दर्शाता है कि ये पेड़ की तरीके यानी कि ट्री के, इसका ट्री ही नाम दिया गया इसलिए क्योंकि वो ट्री के रूप में आपको दिखाता है USB में जो आपको डिस्प्ले करता है। तो निम्न में से किस संरचना का अनुसरण USB डिवाइस द्वारा किया जाता है, तो ट्री के द्वारा क्या है USB संरचना का अनुसरण किया जाता है। अगला, निम्न में से एनिक यानी कि एनी एक के फाउंडर कौन है? तो ये जे प्रेस्पर और जॉन मैकले ये दोनों लोग क्या हैं, ये इसके फाउंडर हैं एनिक के, यानी कि ये जो कंप्यूटर था उसके क्या हैं ये फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ओपन सोर्स के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें ओपन ऑफिस जो है ए ऑप्शन ये आपका ओपन सोर्स के अंतर्गत आता है, लिनक्स भी क्या है आपका ओपन सोर्स के अंतर्गत आता है, और अबंटू भी क्या है ये ओपन सोर्स के अंतर्गत आता है, यानी कि ये तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं इनको आप आसानी से अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और बिना लाइसेंस के यानी कि बिना पैसा दिए आप इनको आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला डी ऑप्शन जो इसमें है ये आपका सही ऑप्शन है, Windows 10 एंड Windows 11 जो लेटेस्ट में इस समय चल रहा है जो 5 अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था, तो ये क्या है ये लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम आसानी से यूज नहीं कर सकते, यानी कि इन्हें हमें चलाने के लिए सबसे पहले लाइसेंस की को ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करना पड़ता है तभी हम इनका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी में क्या है 1.44 जो है ये क्या है MB ये फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, सोर्स कोड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ भी उपलब्ध होता है? ये बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि जो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम आसानी से इंटरनेट के माध्यम से बिना लाइसेंस की के डाउनलोड करके उनका यूज कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, ये प्री इंस्टॉल्ड लाइसेंस की होती हैं, इसमें पहले से ही लाइसेंस की को इंस्टॉल कर दिया जाता है और इनको कोई भी कहीं से भी किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड करके आसानी से यूज कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन, फ्रीवेयर के लिए कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। ये सही बात है क्योंकि फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं उनको डाउनलोड करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता है। बाकी अन्य जैसे होते हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया आपका, एमएस ऑफिस 2021 हो गया या एमएस ऑफिस 365 हो गया, इनको डाउनलोड करने के बाद आपको इन्हें खरीदना पड़ता है, यानी कि लाइसेंस को लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस की के आप इनको अपने कंप्यूटर सिस्टम में चला नहीं सकते हैं, ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर एक ही हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर ये क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, लाइसेंस सॉफ्टवेयर के लिए कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको हमें लेने के लिए भुगतान करना पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि बिना भुगतान किए उनको हम ट्रायल वर्जन में तो यूज कर सकते हैं, बट परमानेंटली अगर हमें यूज करना हो तो हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें लाइसेंस की क्या आवश्यकता होती है, और लाइसेंस की आवश्यकता के लिए, हमें लाइसेंस की लेने के लिए हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ भुगतान देना पड़ता है, जो उनकी कॉस्ट होती है, जो उनकी लागत होती है, उसे हमें भुगतान के रूप में देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, एमएस पेंट एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ऑप्शन सही है आपका, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है क्योंकि जो एमएस पेंट होता है ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे नोटपैड हो गया, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कैलकुलेटर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर होती हैं। और ये जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, या विंडोज 10 हो, या विंडोज 11 हो, तो उसमें पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। इनको कहीं अलग से हमें डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भाषा संसाधक एक प्रकार के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। सही बात है क्योंकि जो लैंग्वेज होती हैं उन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर हमारे क्रिएट किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो उसमें किसी न किसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे आपकी पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, कोई भी लैंग्वेज क्या है, उसी के माध्यम से ही हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। अगला, कैश मेमोरी एक प्रकार की रैम है, तो ये सही बात है। कैश मेमोरी क्या होती है, ये भी एक प्रकार की रैम होती है, क्योंकि रैम के बराबर ही कैश मेमोरी की वो बताया गया है। कैश मेमोरी को और रैम को इक्वली बताया गया है, इन दोनों की क्षमताएं क्या हैं, वो इक्वली होती हैं। अगला क्वेश्चन, मेन मेमोरी कंप्यूटर द्वारा संसाधित किए जा रहे डेटा और निर्देशों को रखती है और सीपीयू द्वारा सीधे पहुंचने योग्य बनाती है। यानी कि जो हमारा मेन मेमोरी में कंप्यूटर द्वारा संसाधित किए जा रहे डेटा होता है और जो भी निर्देश होते हैं उन्हें क्या करता है, वो रखते हैं, यानी कि मेन मेमोरी में हमारे डेटा को रखा जाता है और उसके निर्देशित किया जाता है, और हमारे कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है, सीपीयू के माध्यम से सीधे उसे पहुंचा दिया जाता है। यानी कि जो भी डेटा होता है, जिस डेटा पे हम काम कर रहे होते हैं, वो हमारा किस डिवाइस में जाता है, वो हमारा मेन मेमोरी में जाता है और सीधे उसमें क्या कर देते हैं, उसमें निर्देश जो भी होते हैं या जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसका कंप्यूटर के द्वारा, सीपीयू द्वारा सीधे पहुंचने योग्य बनाता है। ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही है। अगला, सीयू और एएलयू प्रोसेसर की दो इकाइयां हैं। सही बात है, सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ये प्रोसेसर की दोनों इकाइयां हैं जो इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर को प्रोसेस के रूप में या ऑपरेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर एक प्रोग्राम का सेट है जो जिसे हम छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर एक प्रोग्राम नहीं होता है, हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर तो एक हार्डवेयर ही है, प्रोग्राम हमारा क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर को हम आसानी से छू सकते हैं और कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं, रख सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उसे उपयोग कर सकते हैं। और इसमें आपका ऑप्शन बी जो होगा ये गलत है, क्योंकि हार्डवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो हार्डवेयर जो होता है वो आपका हार्डवेयर ही होता है, और हार्डवेयर को हम आसानी से छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को क्या है, आसानी से हम छू नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं,
तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए आपका सही है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार हो, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को चलाना कोई भी अहमियत नहीं देता है, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को साथ ही में दिखाया गया है। निम्न में से कौन सा मेमोरी टाइप डेटा या सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकता है, यानी कि संग्रहित का मतलब होता है स्टोर, स्टोर कर सकता है, यानी कि अपने अंदर उसको सुरक्षित नहीं रख सकता है। तो रैम जो होती है वो क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो तो सिर्फ डेटा को एक्सेस करती है और तुरंत क्या कर देती है, डिलीट कर देती है। लेकिन अगर हमें अपने डेटा को या अपने कंप्यूटर में सिस्टम में जितने भी हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या जो भी फाइल्स होती हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, संग्रहित करने के लिए हमें किसी न किसी सेकेंडरी डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमारी फ्लैश मेमोरी हो गई या हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्हीं के माध्यम से हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो रैम क्या है, ये आपका ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा मेमोरी टाइप डेटा या सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित कर सकता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि संग्रहित नहीं कर सकता है, और इसमें क्या दिया गया है, संग्रहित कर सकता है, यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है इसमें क्या है, हम अपने स्टोरेज डिवाइस में अपना जो भी डेटा होता है उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, और ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं, जिनके माध्यम से हम अपने डेटा को आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी सूचना को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, ये माइक जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माइक के द्वारा जब हम बोलते हैं तो अन्य लोग क्या है वो स्पीकर के द्वारा सुनते हैं, या फिर जो हम बोलते हैं वो क्या है वो आउटपुट डिवाइस है, और जो हम सुनते हैं वो क्या है इनपुट डिवाइस होता है। ऐसे ही माइक क्या है वो है इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका क्या है आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है, यानी कि जो फ्लैश मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये ना तो रैम मेमोरी होती है ना तो प्राइमरी होती है और ना ये सभी होती हैं, तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी आपका सही है, इसमें सेकेंडरी मेमोरी का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी और ब्लू रे डिस्क किसके उदाहरण है, तो ये सीपीयू के उदाहरण है, क्योंकि सीपीयू में ही फ्लैश मेमोरी और ब्लू रे डिस्क को इंसर्ट करके उसमें प्रोसेस या अपने वर्क को किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंकगणित और तर्क इकाई के साथ साथ कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई को एक इकाई से मिलाकर, फिर इसके आगे पढ़ना है आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में माना जाता है, यानी कि अंकगणित और जितनी भी ये कैलकुलेटर संबंधी जितनी भी नियंत्रण यानी कि जो प्रोसेस होती हैं, जिनको प्रोसेस करता है डेटा, जिनको एनालिसिस करता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में ही माना जाता है, उन्हीं के माध्यम से ही अपने डेटा को प्रोसेस करता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंकगणित और तर्क इकाई कार्य करती है, तो एएलयू जो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मैंने पहले बताया है, तो इसके इसके माध्यम से क्या करते हैं हम, सीपीयू की कौन सी छोटी इकाई, यानी कि ये एलयू जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, और कंप्यूटर में क्या करती है, अंकगणितीय और तर्क संबंधित कार्य को करती है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो सीपीयू का ऑप्शन सी आपका सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो क्या है, सीपीयू का पूर्ण रूप होता है। ये आपका ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, और ये सभी ये आपके तीन ऑप्शन गलत है, और सी ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन है। अगला, उस डिवाइस का नाम क्या है जो डेटा को सिर्फ पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि उस डिवाइस का नाम बताइए जो सिर्फ डेटा को पढ़ता है। तो रोम जो हमारा होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म मैंने पहले बताया है, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ये डेटा को सिर्फ पढ़ने का कार्य करता है, और रैम क्या है, पढ़ने और लिखने दोनों का कार्य करता है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। अगला, उस डिवाइस का नाम क्या है जो डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमने अभी बताया था कि रैम जो है वो क्या है, पढ़ने और लिखने दोनों के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो रैम होती है उससे हम क्या कर देते हैं, अपने डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए यूज करते हैं। अगला, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी भौतिक घटक होते हैं, जो भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जो फिजिकल डिवाइसेज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है, तो वो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित किया जाता है, प्रोग्राम
कौन सा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। बिना कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो प्रोसेसर जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, यानी कि बिना प्रोसेसर के कंप्यूटर एकदम डेड अवस्था में होता है, उसमें कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेसर के द्वारा ही कंप्यूटर में किसी भी कार्य को आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुंजी के द्वारा आल सेलेक्ट किया जाता है? आल सेलेक्ट का मतलब होता है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी आपका सही है, यानी कि कंट्रोल ए के द्वारा क्या किया जाता है, सभी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है। कंट्रोल ए की जैसे ही आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तुरंत क्या करता है, उस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेता है। कंट्रोल सी से क्या होता है, ऑप्शन ए में जो दिया गया है उससे क्या होता है, हम अपने डेटा या डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन जो है वो कंट्रोल प्लस डी से क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट या फॉन्ट की स्टाइल वगैरह को चेंज कर सकते हैं। अगला कंट्रोल एक्स है, इससे क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट या टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है, कंट्रोल प्लस ए के द्वारा हम किसी भी डेटा को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कुंजी के द्वारा सेव एज किया जाता है, यानी कि सेव एज करने के लिए मान लीजिए हम कोई फाइल सेव करते हैं, सेव करने के बाद अगर हमें उसी प्रकार की फाइल को दोबारा सेव करनी है, सेम वही फाइल हमें दूसरे अन्य किसी नाम से सेव करनी है, तो हम क्या करते हैं, F12 दबाते हैं। F12 से क्या होता है, सेव एज का ऑप्शन आ जाता है और हम उसमें जो भी डॉक्यूमेंट का नाम डाल देते हैं, टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट का नाम डाल देते हैं, वही हमारी उसी नाम से फाइल सेव हो जाती है। F7 से क्या होता है, F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक किया जाता है वर्ड में, और F2 से फाइल को रिनेम किया जाता है, फाइल या फोल्डर को आप रिनेम कर सकते हैं। F1 से आपका हेल्प मेनू ऑप्शन खुलता है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी हेल्प ले सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है, इसमें F12 के द्वारा सेव एज को ऑप्शन को यूज किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस कुंजी के द्वारा कट किया जाता है? तो मैंने पहले ही बताया था कि कंट्रोल प्लस एक्स के द्वारा क्या कर किया जाता है, कट कर लिया जाता है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही है, ऑप्शन ए जो है वो कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल डी से हमने बताया था डुप्लीकेट एंड फॉन्ट को हम उसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है कंट्रोल प्लस एक्स सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस कुंजी के द्वारा टेक्स्ट फॉन्ट को बोल्ड किया जाता है? तो हमारा कंट्रोल प्लस बी जो होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, आसानी से उसे गाढ़ा कर सकते हैं। और कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका सही ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस बी के द्वारा क्या किया जाता है, अपने टेक्स्ट फाइल को क्या करते हैं, टेक्स्ट फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुंजी के द्वारा टेक्स्ट को सेंटर में किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, कंट्रोल प्लस ई के द्वारा जो भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो भी हम एडिटिंग या कुछ भी फॉर्मेटिंग करते हैं, तो उसे सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, कंट्रोल प्लस ई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंट्रोल प्लस एफ की से क्या आता है? कंट्रोल प्लस एफ की से क्या आता है, फाइंड का ऑप्शन आता है। फाइंड का मतलब होता है खोजना। जब हम किसी भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में कोई भी स्टोरी टाइप कर रहे होते हैं या कोई भी फाइल या फोल्डर हमें सर्च करना होता है, तो हम कंट्रोल प्लस एफ दबाते हैं तो फाइंड का ऑप्शन आ जाता है, और वहाँ से हम आसानी से उस फाइल का नाम डालकर उसे खोज सकते हैं, आसानी से उसे सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल में जो बेल आइकन होती है उस पर ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो इसी हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको भी पता चले और वो भी आसानी से CCC की सारी क्लासेस को अटेंड कर सकें और वो भी अपनी परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।